और आपको बता दें मंदसौर में 5 किसानों की मौत के बाद से लगातार तनाव वहां पर बना हुआ है, आंदोलन हिंसक हो चुका है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव में किसान और ज्यादा उग्र हो गए। किसानों ने सुरक्षा बलों पत्रकारों पर पत्थरबाजी की है। आपको बता दें एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत जब वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पर भी ये देखिए हमला। ये जो नीली शर्ट में आपको नजर आ रही है एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत हैं, उन पर भी हमला करने की कोशिश की गई। वो वहां पर अपना काम कर रहे थे लेकिन अचानक से एक भीड़ वहां पर पीछे से आई और उन पर हमला करने की कोशिश की। तो भीड़ लगातार वहां पर बेकाबू हो रही है। कुछ असामाजिक तत्व हैं इस भीड़ में जो फायदा उठा रहे हैं इसका और माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे साथ खुद ब्रिजेश राजपूत इस वक्त जुड़ चुके हैं जिन पर अब से थोड़ी देर पहले हमला करने की कोशिश की गई है। ब्रिजेश, हुआ क्या था? क्योंकि डीएम पर हमला, आप पर हमला, हो क्या रहा है वहां पर? दरअसल स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। जो पुलिस है वो केवल मूक दर्शक बनी हुई है, वो माहौल को सिर्फ देख रही है, किसी भी तरह टकराव से बच रही है, किसी भी तरह किसानों के सामने आने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ पर्दे के पीछे देख रही है कि कहीं टकराव हो ना। तो यहाँ भी यही हुआ कि जैसे ही उस व्यक्ति की अंत्येष्टि हुई पुलिस ने अचानक उस गाँव से अपना पूरा दल बल लेके दूसरी तरफ चल पड़ी पुलिस। और जैसे ही पुलिस वहां से जाने लगी गाँव वालों को लगा कि पुलिस भाग रही है, तो गाँव वालों एकदम पुलिस के पीछे भागे। पुलिस जब वहां से भागी तो सिर्फ वहां मीडिया के हमारी ओबी बहन और हम लोग ही रह गए। तो फिर हम गांव वालों के निशानों पे हम मीडिया कर्मी आ गए और फिर उन्होंने हमारी ओबी की तरफ धावा बोला और उस पर पथराव करना चाहा। तो जब मैंने देखा कि हमारी ओबी वहां अकेली है तो फिर मैं उन गांव वालों को जब समझाइश देने उनके पास गया तो उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेरने लगे और फिर ले देकर उनका जो आरोप होता कि पुलिस प्रशासन और मीडिया सब मिले हुए हैं, हमारे आंदोलन को हिंसक दिखा रहे हैं। तो इस बात में जब तक मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था तब तक वो लोग ओवी से दूर होते गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर्फ मुझे और मेरे कैमरामैन होमेन देशमुख को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई बहुत ज्यादा हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और इस बीच में हमारी ओवी उस जगह से डायवर्ट होकर सुरक्षित जगह पे चली गई और जब हमने देखा कि हमारी ओवी सुरक्षित जगह पे चली गई है तब फिर हम लोग भी उस जगह से निकल गए। तो इस बीच में उन्होंने हमको और हमारे कैमरामैन होमेन को दोनों को घेरने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की, मगर हम लोग ने अपना आपा नहीं खोया और किसी तरह उस भड़काऊ भीड़ और गुस्सैल भीड़ से किसी तरह निकल के बाहर आ गया। मगर इस पूरे मामले में हैरानी की बात यही है कि पुलिस एकदम मूक दर्शक बनी हुई है, किसी भी तरह ऊपर दबियों को रोक नहीं रही है। जी, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं ब्रिजेश, किस तरह से ये जो आप नीली शर्ट में जिस शख्स को देख रहे हैं यही ब्रिजेश राजपूत हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता, जो रोक रहे हैं। भीड़ ने उन पर अचानक से हमला किया, एक शख्स ने उन पर हमला भी किया, पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन वो बता रहे हैं फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल को लगातार बिगाड़ने की वहां पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।